हेलो गाइस, राजेश फॉर सिंपल स्टूपिड टेक, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने वन प्लस नाइन प्रो, वन प्लस नाइन, वन प्लस नाइन आर और कोई भी दूसरे वन प्लस नाइन सीरीज के फ़ोन में कैसे कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फ़ोन में आपको कॉल रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी तो मिल रही है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपको मिल रहा है गूगल डायलर ऐप, तो इस वजह से जो कॉल रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी वही सारे इश्यूज़ हैं जो आपको बाकी सारे फ़ोन्स में मिलता है जिनमें कि गूगल डायलर एप्लीकेशन है, यानी कि जब भी आप कॉल्स रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई ये कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। पहले तो एक नंबर मिलाता हूँ जिसमें मुझे कॉल रिकॉर्ड करना है। आप किसी इनकमिंग कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, डजंट मैटर। बेसिकली जब भी आप फ़ोन उठा लेंगे तो ये कॉल स्क्रीन है। अब इस कॉल स्क्रीन में ऐसे तो अभी आपको कोई कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो रिकॉर्ड का एक बटन दिखेगा, इसे टैप करिएगा एंड ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप कॉल रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं यहाँ से स्टॉप बटन दबा के, या फिर ये रेड बटन दबा के जब आप कॉल एंड करें। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट या एंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पीछे से सिस्टम नोटिफिकेशन जाता है कि भाई ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। इसे आप चाह के भी म्यूट नहीं कर सकते। आप अपना फ़ोन साइलेंट में रखें, कॉल को म्यूट कर दें, मीडिया वॉल्यूम कम कर दें, जो कर दें ये नोटिफिकेशन आएगी और ये दोनों पार्टीज़ कॉल पे जो होंगी उनको भी सुनाई देंगी। उसका भी एक डेमो दिखा देता हूँ अभी मैं आपको। तो देख सकते हैं कि ऐसा एक पीछे से सिस्टम नोटिफिकेशन जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग करते टाइम। ये तो कोई कॉल रिकॉर्डिंग की बात, अब जो कॉल आपने रिकॉर्ड किया है उसे कैसे सुने, तो वेल उसके लिए रिसेंट्स में जाना डायलर ऐप में। जो भी कॉल आप रिकॉर्ड करोगे आप देख सकते हो एक माइक्रोफोन का आइकन आ गया, मतलब है कि ये कॉल जो है ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड कॉल पे ऐसे टैप करना कॉल लॉग एंट्री पे एंड ऑटोमेटिकली आपको जो रिकॉर्डेड कॉल है ना उसे प्ले करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास यहाँ ये भी ऑप्शन है कि आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ड्रॉपबॉक्स, जीमेल पे, जो भी आप जहाँ चाहो। अगर आपने एक कॉन्टैक्ट के कॉल्स को मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड किया तो आप हिस्ट्री में जाके बाकी जो कॉल रिकॉर्डिंग के एंट्रीज है ना उसकी वो भी देख सकते हो। डायलर ऐप के सेटिंग्स में जाएंगे आप तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग रिलेटेड और सेटिंग्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग में जाइएगा, पहला ऑप्शन है डिलीट रिकॉर्डिंग का, इसे बेसिकली आप चाहो तो सेट कर सकते हो कि भाई जो भी कॉल्स आपने रिकॉर्ड किए हैं वो 7 दिन, 14 डेज या 30 डेज बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं। इसी तरह आपके पास ऑप्शन है कि जितने भी कॉल्स आपने रिकॉर्ड किए हैं वो सारे के सारे आप अभी डिलीट कर दो। फिर जो दो यूजफुल ऑप्शन है वो है कि जो भी कॉन्टैक्ट्स आपके, फिर जो दो यूजफुल ऑप्शन है वो ये है कि जो भी फोन नंबर आपके कॉन्टैक्ट बुक में नहीं है उससे आपको जितने भी कॉल्स आते हैं वो सारे के सारे कॉल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगे। या आप चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई बस मुझे ये 5-10 नंबर्स या कॉन्टैक्ट्स हैं उनके ही कॉल्स रिकॉर्ड हो। चाहे आप जो भी करो ये ध्यान में रखना कि कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप इनेबल करके रखोगे और जब भी कॉल रिकॉर्ड होगी तो दूसरी पार्टी को फ़ोन पे ये सुनाई दे देगा कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने वन प्लस नाइन सीरीज में कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।